नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आने वाले मेरे कुछ वीडियो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स पे ही होंगे, तो 8-10 वीडियो मैं इसी चीज़ पे बना रहा हूँ। और एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था जो पोर्टेबल वॉशिंग मशीन होती है उसके ऊपर। तो आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर आया हुआ हूँ और यहाँ से आपको जो है पोर्टेबल वॉशिंग मशीन, मेरे पास जो इंक्वायरी आ रही थी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और कौन से कस्टमर इसको खरीदते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर को समझाना है और इसका लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, कस्टमर को क्या बताना है, कौन कौन लोग इसको खरीदते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए और इसके आगे जो घंटी है इसको बजा दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए बिजनेस आइडियाज, नई नई सरकारी योजनाएं आती हैं, नए नए प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, उन सब की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हम जो पोर्टेबल वॉशिंग मशीन कम रेंज में उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है जो छोटी फैमिली में रहते हैं। छोटी फैमिली का मतलब है किसी घर में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके साथ में दो छोटे बच्चे हैं या एक छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया था ये प्रोडक्ट, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है मार्केट में, बहुत अच्छा सेल हो रहा है और छोटी जो फैमिली वाले हैं वो सभी लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी वॉशिंग मशीन आती है ना उसको खरीदने में एक तो पैसे ज़्यादा लगते हैं और दूसरा छोटी फैमिली के अंदर घर भी छोटा होता है और उनके पास इतनी जगह भी नहीं होती रखने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको आप अलमारी में भी रख सकते हो, जबकि जो वॉशिंग मशीन आती है उसको आप हर जगह पे नहीं रख सकते हो। तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ, रखने में आसान है, कहीं भी आप रख सकते हो, इजी टू यूज़ है और इसकी वर्किंग जो होती है सेम वैसी ही है जैसी हमारे नॉर्मल वॉशिंग मशीन की होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो वॉशिंग मशीन है कैसे काम करती है और होलसेल में आप इसको लेकर कैसे इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। टीवी पे ये प्रोडक्ट बेचा जाता है 2500 रुपये की रेंज में, 2500 रुपये की रेंज में ये टीवी पे बिकता है। आपको क्या रेट में बेचना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको क्या रेट में मिलेगा और कितना डेली प्रॉफिट आएगा वो भी सारी बताने वाला हूँ, कैसे बेचना है वो भी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हर चीज़ आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अभी ये मशीन आती है, इसको मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ कैसे इसमें, ये इसका बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमें ये मिलती है मशीन। इसके अलावा इसकी पैकिंग ये आती है इस तरह से। अभी इसमें ये जगह दी हुई है बकेट के लिए, देखिए ये जो जगह है बाल्टी जो होगी इसको ऐसे करके सीधा बाल्टी के अंदर रखना है। यूज़ करने का तरीका अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, कपड़ों की बाल्टी के अंदर मैं डाल के दिखाने वाला हूँ। उससे पहले ये देख लीजिए कि कैसे ये वर्क करती है। नॉर्मल जो वॉशिंग मशीन होती है ना दोस्तों, कोई भी जो हम बड़ी वाली वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक राउंड सा चक्कर होता है ऐसा, और वो होता है इस तरह से, इस तरह होता है, बाकी उसके चारों तरफ पानी होता है और उसमें क्या होता है जब वो घूमती है तो उससे कपड़े धुलते हैं। वही चीज़ इसके अंदर दी हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ इतना है कि हमें अलग से जो इनबिल्ट आता है बड़ी वॉशिंग मशीन के अंदर वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। किसी भी बाल्टी के अंदर हम इसको लगा के कपड़े धो सकते हैं, चाहे बाल्टी है चाहे कोई टब है, अगर लेकिन वो स्टैंडिंग ऐसे खड़ी पोजीशन में होना चाहिए। अभी मैं इसको चला के एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे ये वर्किंग करता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुकी है, ये पावर की बटन है इसकी, इस पावर की बटन को जैसे ही हम ऑन करेंगे पोर्टेबल वॉशिंग मशीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बाल्टी के अंदर हम लगाएंगे और इसको चला के छोड़ देंगे तो अपने आप जो है कपड़े हमारे धुल जाएंगे। कम पैसे के अंदर जो लोग कम बजट में और जिनके पास जगह ज़्यादा नहीं होती उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है। डेली मान लीजिए छोटे परिवार जो होते हैं सब पे आप फोकस कर सकते हैं, जो भी अपने घर से दूर रहते हैं, इसके अलावा जहाँ भी हॉस्टल रहते हैं
जैसे बैचलर हॉस्टल होते हैं तो उनके अंदर या कोई लेडीज गर्ल्स जैसे जिस एरिया में ज़्यादा रहती हैं स्टडी के लिए, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, जो स्टूडेंट्स का एरिया होता है जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं उस एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको बड़ी मशीन नहीं लेनी पड़ती और कहीं भी अपना सामान पैक करके वो ले जाना चाहते हैं तो ये छोटे से बैग में भी आ जाती है। कोई बड़ा प्रोडक्ट ये है ही नहीं, इसके बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको भी डाल के वो ले जा सकते हैं, बॉक्स को साइड में रख दें चाहे। जैसा कि अभी मैं अभी आपको इसका डेमो दिखाऊंगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको बेचना कैसे है, क्या इसको बेचने का तरीका है। दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आती है बाल्टी के अंदर अटकाने के लिए, जैसे चौड़ा बर्तन है तो उसके अंदर भी ये सेट आ जाएगी और अगर नॉर्मल है तो उसके अंदर भी ये सेट आ जाती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे वर्किंग करेगी ये। इसमें देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, जहाँ मर्जी आप इसको सेट कर सकते हैं, ये पूरी सेट हो गई है। इसके बाद में इसकी हमें क्या करना है, बाल्टी के अंदर कपड़े भिगो रखे हैं अभी और इसको चलाएंगे तो ऐसे वॉशिंग स्टार्ट कर देगी। अभी देखिए नॉर्मल जैसे वॉशिंग करती है जो वॉशिंग मशीन होती है वही प्रोसीजर इसके अंदर है। इसमें सिर्फ क्या है, एक तो इसकी जो घूमने की वो है फास्ट है इसलिए कपड़े नॉर्मल वॉशिंग मशीन से जल्दी धोएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क नहीं है, किसी तरह कोई शॉक नहीं है, इस पर लिखा हुआ है शॉक प्रूफ है ये, कोई दिक्कत नहीं आती है और डेली आप इसको कम से कम आधे घंटे तक आराम से चला के कपड़े धो सकते हैं। नॉर्मल इसकी वर्किंग है दोस्तों, देख लीजिए आसानी से, कुछ भी इसमें डेमो देने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट जाके और आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बस वाटर लेवल हिसाब का होना चाहिए, थोड़ा सा जो बाल्टी है उससे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। दोस्तों अभी आपने देखा कि इसका डेमो कैसे काम करता है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस किस कस्टमर को आप अप्रोच करना है, किस कस्टमर के पास आप जाना है और क्या रेट में आपको इसको सेल करना है। देखिए नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस होता है 2000 रुपये की रेंज आप रख के चलिए, क्योंकि टीवी पे अगर 2500 रुपये का ये प्रोडक्ट बिक रहा है तो आप आसानी से इसको 2000 रुपये की रेंज तक बेच सकते हैं। 1800 से 2000 की रेंज पकड़ लीजिए, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आप जो है कोई भी नॉर्मल जो होते हैं ना, आपको फोकस किन पे करना है सबसे पहले, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी फैमिली के अंदर अगर आप जाके डेमो देंगे तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं सबसे पहले, तो जो लोग जॉब करते हैं घर से बाहर रह के अकेले रहते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए, जो स्टूडेंट हैं घर से बाहर रह के स्टडी कर रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, जो स्टूडेंट किसी तरह की कोई प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए जाते हैं उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जिन फैमिली के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उन फैमिली को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को उनके लिए खरीद के दे सकते हैं, तो इन पे आप फोकस कीजिए। इसके अलावा लेडीज़ होती हैं जो किसी हॉस्पिटल में काम करिए, जैसे कि मान लीजिए नर्सिस जैसे होती हैं, वो उनके ऊपर फोकस करिए। इसके अलावा जो गर्ल्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए और उनको आपको ज़्यादा कुछ इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन की तरह ही काम कर रही है ये, सिर्फ जाके आपको डेमो दिखाना है और उनको सिर्फ इतना बताना है कि देखिए इस उनको फ़ायदा क्या है इससे। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, उनका खर्चा कम लगेगा, लाइट कम खाएगी ये, दूसरी जो मशीन है उससे थोड़ी सी कम लाइट खाती है ये, इसकी जो मोटर होती है वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि वो उसको ज़्यादा पावर चाहिए, उसके ऊपर कपड़ों का भी लोड होता है और दूसरा जो है वो बड़ी होती है साइज़ में, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए और ये कम पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप जाएं कस्टमर के पास तो प्रॉपर उस एरिया को सिलेक्ट कर लें कि हाँ आज मुझे ये एरिया करना है, और डेली आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कम से कम मार्केट कर रहे हैं ना, डेली अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो कम से कम 20 से 25 कस्टमरों के पास डेली ज़रूर जाइए। 20 से 25 कस्टमरों के पास अगर आप जा रहे हैं इसका मतलब है आपके 3 से 4 कस्टमर ज़रूर इस मशीन को ले लेंगे। राइट कस्टमर और मेहनत, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई घर आके आपसे ज़बरदस्ती बोलेगा कि हाँ जी मुझे ये दे दो, आपको जाके उनको समझाना पड़ेगा कि जी ये चीज़ है इसका आपको ये फ़ायदा है, तभी आपका प्रोडक्ट इजीली सेल होगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको देखिए जो डीलर का नंबर है वो पहले भी दे दिया था,
आज दोबारा से स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके, सॉरी जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का नंबर दिया था, मैन्युफैक्चरर का नंबर दोबारा दे देता हूँ, वहाँ पे आप ऑर्डर करके और अपना जो है ऑर्डर लगा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों रेट की, क्या प्राइस में आपको मिलती है। जो होलसेलर होते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अगर आप घर के पर्पस के लिए इसको लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। बिजनेस पर्पस का हमारा मकसद रहता है, मिनिमम क्वांटिटी 10 पीस की है और जो प्राइस है इसका 1200 यानी 1200 रुपये पर पीस है और 10 पीस का ऑर्डर लगता है, यानी कि 12000 रुपये में आप अपना वॉशिंग मशीन सेलिंग का, मार्केटिंग का और शॉप के ऊपर रखने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉप है तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। किसी तरह की इसमें एक प्रॉब्लम पूछ रहे थे कि अगर किसमें कोई खराबी आ गई, कुछ आ गई, देखिए इसका जो सिस्टम है ना दोस्तों, सेम वही सिस्टम होता है जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन का होता है। यहाँ पे जैसे फैन के अंदर जो सिस्टम होता है वो यही इसके अंदर होता है, तो नॉर्मल वाइंडिंग है और इसके अलावा इसमें जो है बेल्ट लगी होती है, तो ऐसा कोई हार्ड इसका सर्किट नहीं है। आपके आसपास में कोई भी लोकल मिस्त्री है वो आसानी से इसको ठीक कर सकता है, इजीली ठीक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा इसमें खर्चे वाली भी बात नहीं होती, कोई ऐसा प्रॉब्लम आती भी नहीं है इसमें, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है और अपने इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोकल कोई मिस्त्री को करके आप करवा सकते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर है उनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, किस ऑर्डर करने के लिए आप कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर के लिए 10 पीस की होती है। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर कोई भी होते हैं वो एक आधे पीस की सैंपलिंग नहीं करते हैं, उनका काम है होलसेलरों को सप्लाई करना। 10 बॉक्स की 10 जो है मशीनों की इसकी पैकिंग आती है, तो मिनिमम ऑर्डर 10 मशीन का ही रहता है इसमें, उससे कम का ऑर्डर आप नहीं लगा सकते। ना ही इसमें कोई ऐसा सिस्टम है कि आप बोलो जी मुझे तो एक पीस दे दो, दो पीस दे दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और 10 पीस की क्वांटिटी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट कर रहे हैं ना, सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर 10 पीस आराम से सेल हो जाते हैं। छोटा ऑर्डर उन्होंने इसलिए बना रखा है कि मान लीजिए जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ी हेजिटेशन रहती है कि मेरा प्रोडक्ट ये सेल होगा नहीं होगा, कैसे सेल करूंगा, क्या करूंगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से मार्केट कर रहे हैं तो आपकी हेजिटेशन सिर्फ 2 दिन के अंदर निकल जाएगी, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी बड़ा ऑर्डर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है आप चैनल के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया के साथ, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।